श्री संजय सिंह। धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। इसमें कई प्रावधान इस बिल के अंदर उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छे हैं मान्यवर, और इससे निश्चित रूप से उपभोक्ताओं का संरक्षण हो पाएगा। खास तौर से कई ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं जिसमें उपभोक्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। अब दवाइयों के मामले में अगर हम लोग देखें, एक ही बीमारी की दवा डॉक्टर जानबूझकर ऐसी कंपनियों के लिए लिखते हैं जिसमें उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है, और कमीशन की वजह से वो कंपनी उनके किसी बेटे को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रही है, कहीं MBA इंजीनियरिंग करा रही है, कमीशन के कारण वो दवा लिखी जाती है और उसका खामियाजा उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है। अगर मेडिसिन्स के मामले में, दवाओं के मामले में मान्यवर, एक जैसी व्यवस्था की जाए कि भाई अगर ये बीमारी है, हर कंपनी को इसी दाम पर इस दवा को बेचना पड़ेगा, आप अलग अलग दाम रख के अपनी कंपनी का ज्यादा प्रचार करके डॉक्टरों को कमीशन खिला के वो दवा मार्केट में महंगी बेचें, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी बात मान्यवर, जैसे हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उपभोक्ताओं की हालत अगर आप देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कल की एक घटना है, एक बड़े हॉस्पिटल में 3-4 तरीके की जांच का पैसा उस उपभोक्ता से ले लिया गया, उस व्यक्ति से ले लिया गया जो जांच हुई नहीं, और उसका चार्ज कर लिया। मरीज को तो पता नहीं, उसके घर वालों को भी कई बार पता नहीं होता ये जांच कौन सी है, क्या लिखा है, कौन सी दवा लिखी है, कौन सा इलाज लिखा है, ये जांच हुई भी है कि नहीं हुई है। 40,000 रुपए की जांच उसकी हुई नहीं और बिलिंग उसकी हो गई इस तरीके से। और जो सबसे अच्छा प्रावधान मंत्री जी ने इसमें किया है कि अगर विज्ञापनों के जरिए गलत जानकारी आपको देकर अपने सामान को बेचने का काम किया जा रहा है तो 10,00,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा, और जरूरत पड़ने पे 3 साल की सजा का भी प्रावधान आपने रखा है। इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देना चाहता हूं, बहुत ही अच्छा ये प्रावधान आपने रखा है, इसलिए कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं ऐसे ऐसे प्रचार, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, हो रहा है प्रचार, 5 रुपए का फेयर एंड लवली बेच के बेटी की शादी करा लो, पेप्सी कोला पी के छक्का मार दो, ये सब जो इस तरीके के भ्रामक प्रचार होते हैं मान्यवर, इस पर निश्चित रूप से रोक लगना चाहिए, क्योंकि आम उपभोक्ता को कुछ पता नहीं, उसने देखा मम्मी मम्मी अंकल चिप्स, वो चला गया 20 रुपए का अंकल चिप्स खरीदने। अब वो अंकल चिप्स बनाने में कौन सा विज्ञान लग रहा है, कितने का वो अंकल चिप्स बिकना चाहिए नहीं बिकना चाहिए, लेकिन अब उससे एक प्रकार की लूट हो रही है, महंगाई में उसकी जेब से पैसा जा रहा है क्योंकि बेटा चिल्ला रहा है अंकल चिप्स। इसी तरीके से एक जमाने में हम लोगों ने देखा कि तमाम वॉशिंग पाउडर्स के प्रचार होते थे। तो ये जो आप कानून लेकर आए हैं, इसको अगर आपने सख्ती से लागू करवा दिया माननीय मंत्री जी, तो निश्चित रूप से एक बड़े वर्ग का आप फायदा कर सकते हैं। कम से कम आप अपना सामान बेचिए, सही जानकारी हमको देकर अपना सामान बेचिए तो अच्छा है, आप उपभोक्ताओं को ठगने का काम मत कीजिए। तो दवाओं पर, हॉस्पिटल्स पर और भ्रामक प्रचार पर, इन 3 बातों पर रोक लगाने का आप काम करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। डॉक्टर यम्मी याग्निक।